हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेज। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि टेंस की कैसे पहचान की जाती है, अब आज जो होगा वो टेंस के जितने पार्ट्स हैं उन सब में पहला प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या है उसको डिफाइन किया जाएगा। वो कैसे उस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अगर सेंटेंस आते हैं तो कैसे उसका ट्रांसलेशन किया जाएगा। जैसा कि टेंस में तीन प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसके बाद हर एक टेंस के चार चार पार्ट होते हैं, जैसे प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तीनों के चार चार पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब उसी प्रकार इंडिफिनिट में भी, इंडिफिनिट के भी चार पार्ट होते हैं, और मतलब जितने भी चार चार पार्ट हैं वो सभी के होते हैं, चाहे वो इंडिफिनिट हो, चाहे परफेक्ट हो, या कंटिन्यूअस हो, या परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट अभी हम पढ़ाएंगे आपको, तो उसमें देखिए इंडिफिनिट के कितने पार्ट होते हैं। इंडिफिनिट जो होता है इसके चार भाग होते हैं। कौन सा? पहला जो होता है वो अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव मतलब साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य। दूसरा जो होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। इसके बाद इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव की हिंदी क्या होती है? प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और इसके बाद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य। तो इंडिफिनिट के हमने बताया चार पार्ट होते हैं, ये सभी के होंगे, इंडिफिनिट हो या कंटिन्यूअस हो, या परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस। चार पार्ट सभी के होते हैं, कौन कौन सा? एक साधारण वाक्य, दूसरा नकारात्मक, और तीसरा प्रश्नवाचक, और जो चौथा होता है वो प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों का मिश्रण होता है। तो चूंकि सभी प्रकार के सेंटेंसेस पढ़ने हैं इसमें अभी आज शुरुआत की जाएगी। तो जैसे हमने आपको बताया था उस दिन कि अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में इसका प्रयोग किया जाएगा, डू या डज में से किसी एक का, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब अगर डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो सहायक क्रिया के तौर पे क्या यूज किया जाएगा वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें यस या ईयस, इन दोनों में से कोई एक का प्रयोग किया जाएगा, यस या फिर ईयस। अब कहां पे यस का प्रयोग किया जाएगा, कहां पे ईयस का प्रयोग किया जाएगा, तो उसके लिए साधारण सी बात है, जैसे जो भी वर्ब होगी उसी में यस या ईयस का प्रयोग किया जाएगा, तो उस वर्ब को, उसकी जो मीनिंग होती है, स्पेलिंग होगी, उसको देखा जाएगा। जैसे कुछ वर्ब्स होती हैं किसके किसके बाद में ईयस का प्रयोग किया जाएगा, हम आपको ईयस वाला बता देंगे, बाकी अंडरस्टूड है कि यस कहां पे लगेगा। ईयस के अलावा जो भी होंगे उन सब में यस का प्रयोग किया जाएगा। तो ईयस का प्रयोग किया जाएगा जैसे जिन शब्द में उसका आखिरी अक्षर ओ होगा उसके साथ ईएस का प्रयोग किया जाएगा। ओ के जो ओ होगा वो लास्ट सब अक्षर होगा, उस शब्द का लास्ट अक्षर होगा, उसके बाद ईएस का प्रयोग किया जाएगा। और दूसरा जो कंडीशन है कि आखिरी के दो अक्षर या तो डबल एस हो या फिर यस एच हो, डबल यस या फिर यस एच, दो कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन जो होती है वो थोड़ी सी टिपिकल होगी, आखिरी अक्षर वाई होनी चाहिए, लास्ट जो उसका अल्फाबेट होगा वो वाई होगा, और उस वाई से ठीक पहले जो अक्षर आया हो वो कंसोनेंट होना चाहिए, कंसोनेंट मतलब व्यंजन। तो पहला जो ओ लास्ट में होना चाहिए, जैसे गो हो गया, उसके बाद ईएस का प्रयोग किया जाएगा। और दूसरा जो हमने आपको बताया कि डबल एस होना चाहिए या फिर एस एच होना चाहिए, जैसे क्रश हो गया, सी आर यू एस एच, तो इसके बाद ईएस का प्रयोग होगा, क्रशेज हो जाएगा। और जो आखिरी हमने आपको बताया कि आखिरी अक्षर वाई होनी चाहिए, उसके पहले कंसोनेंट यानी कि व्यंजन होना चाहिए। तो उसका एग्जांपल जैसे ट्राई, टी आर वाई, तो वाई भी आया और उसके पहले आर जो है वो क्या है, कंसोनेंट है, तो इसके पहले भी, इसके मतलब इसके बाद टी आर आई ई एस हो जाएगा, यानी ई एस का प्रयोग कर दिया गया, या फिर क्राई, सी आर वाई। तो अगर जहां पे डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाएगा वहां पे यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा, और उसको क्या क्या किस किस तरीके से होगा यह हमने आपको अभी बताया। अब देखिए, अब इसमें आपको एग्जांपल बताया जाएगा, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले हम आपको एग्जांपल बताते हैं। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक,
हिंदी से ही समझ में आ रहा है कि जो साधारण वाक्य हो, जिसमें न तो प्रश्न पूछा गया हो और न ही न का प्रयोग, नहीं का प्रयोग किया गया हो या न का प्रयोग किया गया हो। जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, इसमें सबसे सिंपल बात यही होती है कि ट्रांसलेशन करने के लिए पहले वाक्य को पहचानना जरूरी होता है। तो जब वाक्य पहचान लेंगे तो उसके बाद इसका ट्रांसलेशन स्वयं से हो कर लेंगे। जैसे है, राम मंदिर जाता है, राम मंदिर जाता है। अब देखिए, पहचान करने की बात, तो पहले आप यहीं ध्यान दे दीजिए, ता तीते और है दोनों आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है और वाक्य में ना कोई प्रश्न पूछा गया है और न ही कहीं पे नहीं आया है, तो जाहिर सी बात है साधारण वाक्य है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, हमने आपको बताया है नियम ही। तो अब इस वाक्य को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा, आसानी से एक साधारण सा रूल अप्लाई करते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद ये जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, इसी को तो वर्ब कहते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, जो काम करता है उसको सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कहते हैं, और जो काम किया जाता है उसको क्रिया कहते हैं, और जिसके ऊपर बाकी जो बचता है वो ऑब्जेक्ट होता है, अदर्स होता है, बस साधारण सी बात ये जानिए। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें या तो यस या ईएस, इनमें से कोई एक लगेगा, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, या तो फिर अगर कुछ और बचा है तो अदर्स हो जाता है। यही इसका एक साधारण सा रूल है, ये कोई नियम बनाया नहीं है किसी ने, नहीं इसको याद करना, ये अपने आप से आपको बनाना होता है, ये फॉर्म करके और उसके बाद नीचे ट्रांसलेशन कर लेंगे। अब देखिए, जब राम मंदिर जाता है, यही ट्रांसलेशन आपको करना है, तो राम सब्जेक्ट है तो इसकी इंग्लिश लिखा जाएगा यहां पर राम, मेन वर्ब क्या है जाना, इसकी इंग्लिश क्या हो गई गो, और जब गो है तो आखिरी अक्षर इसकी ओ है, तो जाहिर सी बात है क्या लगेगा, ईएस लगेगा, तो राम गो और उसमें ईएस, राम गोज, कहां पे जाता है टू टेंपल। अब टू क्यों लगा, टू इसलिए लगा कि इस मंदिर से राम के जाने को जोड़ा गया, यानी ये प्रीपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है जो टू है यहां पर, ठीक। तो साधारण सी बात है, राम मंदिर जाता है, राम गोज टू टेम्पल। एक और एग्जाम्पल इसी पे डिफाइन कर देते हैं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं के साथ क्या प्रयोग किया जाता है, यस या ईएस में से क्या लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने बताया था आपको कि सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया जाता है। तो हमने आपको क्या एग्जाम्पल बोला, मैं विद्यालय जाता हूं, सब्जेक्ट कौन सा है आई यानी मैं, तो आई और जाने की इंग्लिश गो, और उसके बाद कहां पे टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूं, तो आई गो टू स्कूल, ठीक। अब इसके बाद एक नकारात्मक वाक्य देख लीजिए, क्योंकि नकारात्मक की पहचान यही होती कि उस सेंटेंस में, उस वाक्य में कहीं ना कहीं नहीं का प्रयोग किया जाता है। नकारात्मक वाक्य वही होता है जिसमें नहीं किसी न किसी माध्यम से आएगा। एग्जाम्पल देखिए नकारात्मक का, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, ठीक, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। अब जैसा कि अफर्मेटिव में हमने किया कि वो सब्जेक्ट मेन वर्ब में जैसे आई एस या वगैरह वगैरह, जो कुछ भी वो रूल फॉर्म किया था, रूल जो था, जो नियम था, उसको हमने इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था, स्वयं से ही करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। इसमें भी वही सेम कंडीशन है, पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद, अब चूंकि अफर्मेटिव तो है नहीं, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ता हूं आया है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है, लेकिन नहीं आया है तो जाहिर सी बात है ये सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य नहीं है, तो क्या है फिर, नकारात्मक है, क्योंकि नहीं आया है इसमें। तो जब सब्जेक्ट प्लस डू या डज में से कोई एक लगता है तो डू या डज, फिर उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, सब्जेक्ट प्लस डू या डज और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कुछ, जो कुछ भी बचा वो ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स हो गया। तो अब इसी नियम पे इस ट्रांसलेशन को क्या करेंगे, लगाएंगे।
क्योंकि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो कुछ नियम बनाना पड़ेगा ना कि आखिर कैसे लिख देंगे। तो सब्जेक्ट इसमें पहचानिए, सब्जेक्ट कौन सा है, काम किसके द्वारा किया जा रहा है, मैं के द्वारा, तो सब्जेक्ट हो गया आई। और डू और डज में से आई के साथ क्या लगता है, डज जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ, यानी ही शी इट, और उसके बाद नाम जो होते हैं राम श्याम वगैरह जो कुछ भी होगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ सिर्फ डज का प्रयोग होता है, बाकी जितने बच्चे सबके साथ क्या, डू के साथ, आई के साथ भी डू लगता है। तो आई डू, और एक चीज ऐड करना है इसमें, यही चीज सबसे बड़ी बात है, जब ये रूल फॉर्म कर रहे थे तो इसमें डू या डज के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा, यही ध्यान देने वाली बात है, डू या डज के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होगा, फिर मेन वर्ब के का प्रयोग किया जाएगा। तो जब यहां पे हमने अब नॉट लगा दिया वहां पे, तो अब उस नियम के हिसाब से हमको क्या करना है, इसको लगाना है आई डू, अब फिर क्या लगाएंगे, नॉट, आई डू नॉट, और जाना यहां मुख्य क्रिया जाना ही तो है, तो आई डू नॉट गो कहां पे, टू स्कूल। जैसा कि साधारण सी बात है एकदम, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, कितना इजी वे में इसको आप ट्रांसलेट कर लेंगे ये पता ही नहीं चलेगा आपको। सब्जेक्ट डू या डज में से कोई एक, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और जो कुछ भी आएगा वो सब लास्ट में लिखा जाएगा। सब्जेक्ट आई है, आई के साथ डू लगता है, नॉट है सेंटेंस में, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना की अंग्रेजी गो कहां पे, स्कूल। दो सेंटेंस हो गए, अब तीसरा सेंटेंस जो आएगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। अब प्रश्नवाचक दो तरह के होते हैं, कौन सा, एक प्रश्न सूचक शब्द जो होता है वो या तो वाक्य के पहले में आता है, पहली कंडीशन है, यानी पहले प्रकार का वाक्य वो होता है जिसमें प्रश्न सूचक शब्द, यानी जो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, ये चीज अगर पहले आया तो ये फर्स्ट टाइप हो गया। और सेकेंड टाइप ये होता है कि उस सेंटेंस के बीच में आता है। अब उन दोनों का एग्जांपल हम आपके सामने रखेंगे, जैसे फर्स्ट टाइप में लगा देते हैं, यहां पे क्या को पहले ले दिए, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाना खाते हो। अब इसमें देखिए जो प्रश्न सूचक शब्द है पहले आया है, अब इसमें भी वो नियम लागू किया जाएगा जो हर बार करते आए हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले रखी जाती है, क्योंकि अगर वाक्य की शुरुआत, वाक्य की शुरुआत प्रश्न सूचक शब्द से हो तो ये हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, डू या डज में से कोई एक, ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स जो कुछ भी होगा, तो जब भी डू या डज में से कोई एक प्रयोग में लाया जाएगा, जब भी प्रश्न सूचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तो हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस शुरू किया जाता है। ये सब के लिए लागू है 12 के 12 टेंसेज में। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तुम, इसमें कर्ता तुम है, तुम के साथ यानी डू का प्रयोग किया जाएगा, तो डू, उसके बाद यू, आगे क्या है, खाना खाते हो, खाना ये क्या हो गया, ईट, डू यू ईट क्या चीज, द फूड, डू यू ईट द फूड, उसके बाद प्रश्न सूचक क्वेश्चन। तो पहले टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य ये है कि जो प्रश्न सूचक शब्द होगा ये वाक्य के शुरुआत में आएगा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर्स। तो इसमें सब्जेक्ट था यू, यू के साथ डू लगता है, तो डू यू ईट द फूड। अब दूसरे टाइप का जो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें सबसे बड़ी यही पहचान होती है कि जिस प्रश्न सूचक शब्द को वाक्य के बीच में देखा जाता है उसी की अंग्रेजी से शुरुआत किया जाता है। नहीं समझे, जिस प्रश्न सूचक शब्द, अगर वो क्या भी हो सकता है, क्यों हो सकता है, कब, कैसे, किसका, चाहे जिस भी प्रश्न सूचक शब्द से अगर वो शब्द वाक्य के बीच में आया हो, शुरुआत में नहीं, वाक्य के बीच में आया हो, तो उसी की अंग्रेजी लिखकर सेंटेंस को ट्रांसलेट करते वक्त सबसे पहले शुरुआत में उसी को लिखा जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, तुम कब
घर जाते हो, ठीक, तुम कब घर जाते हो। ये जो कब है ये वाक्य के बीच में आया है, तो जाहिर सी बात है जब वाक्य के बीच में आया है तो ये दूसरे प्रकार का प्रश्नवाचक है। अब इसके लिए भी बनाया जाएगा क्या वो रूल, तो ये जो डब्ल्यू एच वर्ड है इसी को लिखा हमने। डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब जैसे कब की अंग्रेजी क्या होती है वेन, तो डब्ल्यू एच ई एन होता है, यानी पहला दो अक्षर क्या हो गया डब्ल्यू एच। क्या की अंग्रेजी क्या होती है वाट, तो डब्ल्यू एच। क्यों की इंग्लिश क्या होती वाई, डब्ल्यू एच वाई। इसी तरह जितने भी ये प्रश्न सूचक शब्द हैं इनको डब्ल्यू एच फैमिली बोला जाता है। तो प्रश्न सूचक शब्द का जो इंग्लिश होगी उसको पहले लिखा जाएगा, उसके बाद डू या डज में से कोई एक, यानी कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कोई एक लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आता है मेन वर्ब उसकी फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर्स जो कुछ भी होगा। अब इसको इस नियम के हिसाब से लगाइए, सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड यानी कि अगर बीच में आया है तो इसी से सेंटेंस की शुरुआत की जाएगी। कब की अंग्रेजी क्या होती है वेन, और तुम के साथ डू लगेगा, यू के साथ डू लगेगा, तो वेन डू, फिर सब्जेक्ट क्या है यू, वेन डू यू क्या चीज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, वेन डू यू गो टू होम। अपने घर जाने की बात होगी तो टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यही बताने के लिए हमने यहां पे लिखा। जब भी अपने घर जाने की बात होगी तुम कब घर जाते हो, तो ये जो तुम है ये अपने ही घर जाने की बात हो रही है ना, तो जब अपने घर जाने की बात होगी तो होम लिखा जाएगा, और होम के साथ टू का कभी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वेन डू यू गो टू, टू हट जाएगा, वेन डू यू गो होम, ठीक। अब तीन प्रकार के वाक्य आपके सामने है। प्रश्नवाचक में दो तरह के था, एक तो पहले प्रश्नसूचक शब्द आता था, एक बीच में, अब आखिरी जो होगा वो प्रश्नवाचक प्लस क्या नकारात्मक वाक्य होगा। अब प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक में भी दो टाइप के होंगे, प्रश्नसूचक शब्द अगर पहले आ गया और उसके बाद नहीं भी आया है सेंटेंस में तो एक प्रकार का वो, और प्रश्नसूचक शब्द जो है अगर वो दो मतलब वाक्य के बीच में आ गया और फिर उसके बाद नहीं आ गया तो वो दूसरे प्रकार का हो गया। अब इसके लिए एक एग्जांपल ये है कि वह रोज क्यों नहीं नहाता है, वह रोज क्यों नहीं नहाता है, ठीक। क्योंकि प्रश्न सूचक शब्द जो है वो वाक्य के बीच में आया है और नहीं भी आया है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है, और ता है आखिर में आया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब इसके बाद इसके लिए भी वो रूल फॉलो किया जाए, पहले सबसे डब्ल्यू एच वर्ड, फिर उसके बाद डू या डज में से कोई एक, ठीक, उसके बाद नॉट तुरंत आएगा, और इसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के ठीक बाद मेन वर्ब, इसका कौन सा फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसी नियम का पालन करते हुए इसको क्या किया जाए, ट्रांसलेट किया जाए, कैसे, डब्ल्यू एच वर्ड यानी क्योंकि इंग्लिश क्या होगी वाई, वाई लिख दिया हमने। अब वाई के बाद वह जो सब्जेक्ट है कर्ता वह है इसमें, अब वह के साथ डू लगेगा कि डज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो डज लगेगा, तो वाई डज, फिर नॉट आ गया, वाई डज नॉट, सब्जेक्ट क्या है ही, आगे क्या है नहाना, नहाने की इंग्लिश बात, और रोज डेली यानी प्रतिदिन, ठीक। तो वाई डज नॉट ही बात डेली, चार प्रकार के सेंटेंस हमने आपको बताए, कौन कौन से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो जो ये चार प्रकार के वाक्य हैं इनमें प्रश्नवाचक में भी दो प्रकार के होते हैं, एक वाक्य के शुरुआत में और एक वाक्य के बीच में आता है। अब इसको कैसे नियम बना के स्वयं से ट्रांसलेट करेंगे, ये साधारण सी बात आपके सामने आ गई। अब जो चारों प्रकार के वाक्य हैं इसके बाद अब कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाएगी, तो कंटिन्यूअस टेंस नेक्स्ट